आजकल हर हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में कैमरा। कोई कहीं भी किसी का भी फोटो खींच लेता है, लेकिन क्या आप जानते हैं किसी लड़की अथवा महिला का उसकी अनुमति के बिना फोटो खींचना गंभीर अपराध है। यह और भी अधिक गंभीर हो जाता है जब आप उस फोटो को इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे इस तरह बिना अनुमति के फोटो खींचने वाले बदमाशों को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत मामला दर्ज करवाकर जेल भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि अगर कोई पुरुष किसी महिला की इन स्थितियों में तस्वीर लेगा, जैसे स्नान करते समय फोटो लेना या वीडियो बनाना, किसी भी प्रकार के होटल, शौचालय आदि में छुपे हुए कैमरे लगाकर महिला की प्राइवेट फोटो लेना, वीडियो बनाना, उस फोटो वीडियो को शेयर करने की धमकी देना, शेयर करना आदि, पति, दोस्त, नातेदार आदि द्वारा फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर बिना उसकी मर्जी के किसी भी प्रकार से शेयर करना, उपर्युक्त कृत्य धारा 354C के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। साथ ही आपको बता दें कि शादी, पार्टी, मीडिया कवरेज, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि के अवसर पर यदि किसी फोटो या वीडियो में महिला की तस्वीर भी नजर आ जाती है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। IPC की धारा 354C में इस अपराध को लेकर सजा का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई महिला कोई ऐसा काम कर रही है जो निजी हो, उस समय उसको देखना अपराध की श्रेणी में आता है, या फिर जब कोई महिला कोई ऐसा काम करे जो आमतौर पर वो सार्वजनिक जगहों पर नहीं कर सकती है और ठीक इसी समय कोई व्यक्ति उस महिला की फोटो खींच ले तो ये एक दंडनीय अपराध होगा, उसे दोषी माना जाएगा और 354C IPC के अंतर्गत सजा दी जाएगी। अगर आरोपी धारा 354C के अंतर्गत पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वही व्यक्ति दूसरी बार दोषी पाया गया और उसे इसी धारा के तहत पहली बार दंडित किया जा चुका हो, ऐसे में उसे 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ेगा। वहीं IT एक्ट की धारा 66E कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य महिला या पुरुष की प्राइवेट तस्वीर उसके अनुमति के बगैर लेता है, उसे ऑनलाइन कहीं अपलोड करता है या छापता है, तो ऐसा करने वाला दोषी साबित होगा। ऐसी स्थिति में उसे 3 साल तक की कैद और 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपमानजनक तथ्य प्रसारित या प्रकाशित करता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 499, 500 और 501 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया जा सकता है। साथ ही अगर कोई किसी के खिलाफ सोशल मीडिया या इंटरनेट पर झूठी टिप्पणी कर रहा है या आपके खिलाफ झूठ फैला रहा है या आपके सम्मान को जानबूझकर धूमिल कर रहा है तो उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के यहाँ मानहानि का दावा किया जा सकता है। इसमें कम से कम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ भारत।